हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव विशिता सो बिफोर सिंग द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर एट जिसका टाइटल है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ देने रखा बस हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तो हम इसका जो आंसर है वो इस चैप्टर में फाइंड आउट करने वाले हैं डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स क्या जब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं क्या वो मतलब जैसे कि पापा मम्मी ने रिप्रोड्यूस करा तो जो बच्चा होगा सेम उनकी जैसी कॉपी होगा ऐसा तो नहीं होता है ना तो वो हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज द बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो सिमिलर इसलिए लगते क्योंकि हैं क्योंकि उनके जो बॉडी डिज़ाइंस है मतलब कि अगर पापा के अंदर ये जीन्स है और मदर के अंदर ये जीन्स है तो वो अलग अलग हैं पर यह कि वो उन दोनों से सिमिलर होगा इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू भी सिमिलर द ब्लू प्रिंट फॉर दीज डिज़ाइन्स शुड भी सिमिलर तो ये जो ब्लू प्रिंट्स है जो ब्लू प्रिंट है इस डिज़ाइन का वो भी सिमिलर होगा तभी जो रिप्रोडक्शन है इस अगर हम उसको बेसिक लेवल पे देखें तो वो इन्वॉल्व करता है कॉपीज ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन क्लास नाइन में हमने देखा था कि जो क्रोमोजोम है दैट द क्रोमोजोन इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोजोन होता है ना क्रोमोजोम को पता ही है ये होता है क्रोमोजोम क्रोमोजोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके अंदर क्या होती है इन्फॉर्मेशन होती है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी डी ऑक्सीड जो डी ऑक्सीड आए न्यूक्लिक एसिड डी एन ए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स जो डी एन ए है वो प्रोटीन बनाता है इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज द डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड अगर इंफॉर्मेशन अगर चेंज हो गई तो जो प्रोटीन उसके ऊपर वर्क करेगा वो भी डिफरेंट होगा डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंशली लीड टू ऑल्टअ बॉडीज डिजाइन तो जो डिफरेंट प्रोटीन है फिर वो धीरे धीरे जो बॉडी डिज़ाइन है वो उसको चेंज कर देंगे देअर फो बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डी एन ए कापी तो मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसका बेसिक इवेंट ही होता है डी एन ए कापी को क्रिएट करना सेल्स यूज करते केमिकल रिएक्शन ताकि वो बिल्ड करे कॉपीज ऑफ देयर डी एन ए दिस दिस क्रिएट्स टू कापीज ऑफ डी एन ए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स

फिर इसमें से एक कॉपी इसमें से एक कॉपी चली जाती है फिर बच्चे के अंदर जो फिर दबी बेबी के अंदर जो एक मदर का डी एन ए होता है एक फादर का डी एन ए होता है ठीक है डी एफ ओर डी एन ए कापिंग इज़ अ कम्प्लीट बाई क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेल्युलर ऑपरेटर्स एंड एंड देन द डी एन ए कापीज सेपरेट ईच विद विद इट्स ओन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एफेक्टिवली सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू न्यू सेल्स तो जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है ताकि वो आ, ताकि वो नए सेल को पैदा कर सके दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल तो मतलब ये जो सेल्स है सिमिलर तो होंगे पर ये के क्या जरूरी है कि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट होंगे आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम एग्जैक्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिक्रिएशन इन्वॉल्व अगर तो ऐसे थोड़ी ना होता है ना कि मतलब कि अगर जो हो गया अगर सही एकदम एक्यूरेट कॉपी हो चुका है तभी तो एक्यूरेट होंगे पर क्या होता है जो डी एन ए है वो मिसप्रिंट हो जाता है नो बायो केमिकल रिएक्शन इज एप्सल्यूटली रेलेबल देर फो इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डी एन ए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम एज अ रिजल्ट द डी एन ए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर तो जो डी एन ए कॉपी जो जनरेट होगी वो सिमिलर होगी पर आइडेंटिकल नहीं होगी सम ऑफ़ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू जी एन ए कॉपी कैनॉट वर्क विद द सेल्यूलर ऑपरेटर इट इनहेरिट्स

इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन वेरिएशन का मतलब कि वेरिएशन का क्या इम्पॉर्टेंस है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम फिल वेल डिफाइंड प्लेस और नीचेज इन द इको सिस्टम नीचे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है जो पानी के अंदर रहते हैं यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अब है द कंसिस्टेंसी ऑफ डी एन ए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउज ऑर्गेजम्स टू यूज द पर्टिकुलर नीचे रिप्रोडक्शन इज देअर फॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसा इकलौता प्रोसेस है जो मतलब स्पीशीज की कंटिन्यूशन को मैंटेन करते हैं अर्थ पे हा एवर नीचीज कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गैनिजम्स टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन वाटर लेवल कैन वेरी और देअर कुड भी मेट्रॉइट हिट्स टू थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स इफ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर सुटेड टू अ पर्टिकुलर निशी इफ द निशी वर ड्रास्टिकली ऑल्ट द पॉपुलेशन वुड भी वाइब्ड आउट तो मतलब सपोज इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मैक्सकेंड ये रिमूव कर देती हूँ ठीक है तो एक हमको ये दे रखा है कि एक पोंड है ठीक है पोंड में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं ठीक है बैक्टीरिया को मैं अलग से कर देती हूँ कि ना सपोज ये बैक्टीरिया है ठीक है यस पोंड्स में पॉन्ड्स में ये सारे जो हैं येलो कलर के सारे कौन है ये पॉन्ड्स में बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है इन्होंने रिप्रोड्यूस करा है इनको ठीक है ज्यादा नहीं बनाते नहीं तो फिर ये जो है फिर वो अच्छा नहीं लगेगा इन्होंने रिप्रोड्यूस करा है कुछ बैक्टीरिया तो ये जो पुराने वाले बैक्टीरिया है ना ये जो पुराने वाले बैक्टीरिया है ये जो ब्लैक वाले बैक्टीरिया है इनको मतलब ऐसा इनको पास अंदर बॉडी की इतनी एबिलिटी है कि ये सिर्फ़ सपोज़ करो कि ट्वेंटी डिग्री से ना ज़्यादा ना कम रह सकते ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव डिग्री तक पर ये जो इन्होंने जो इनको राइस दिया है इनके बच्चों को वो रह सकते हैं ट्वेंटी से लेके कर फिफ्टी डिग्री तक के टेम्परेचर में तो क्या होगा कि सपोज करो यहाँ पे एक फैक्ट्री है ठीक है जो मतलब हार्मफुल केमिकल्स और ये सब छोड़ती है तो ये सब गए पानी के अंदर ये सारे और पानी का जो टेम्परेचर था जो इन इनके अंदर जो केमिकल्स है जो पानी था उसका टेम्परेचर था फोर्टी डिग्री तो जो ये वाले होंगे तो मर जाएंगे पर ये वाले जो उन्होंने मतलब रेस दिया है इनको राइस दिया है जो उन्होंने बर्थ करें इनको तो ये जो है ये नहीं मरेंगे तो इसमें हमको ये दिखाया हुआ है कि कुछ चेंजेस जो है वो सरवाइव कर सकेंगे तभी बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है एसेंशियल होता है एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए इफ़ देअर पॉपुलेशन ऑफ़ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाई ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड वुड डाइ बट द फ्यू रिलायंट एजिस्ट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर रेडिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम तो वही मैंने आप लोगों को बताया तो अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑरगैंसम जिसको हम बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मैं लिख देती हूँ ठीक है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो अब इसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ हमको दे नहीं रखी और ना ही पेपर में एग्जाम में आता है ज़्यादा एग्ज़ाम में फिजन आता है जो ये सारे प्रोसेस हैं ना ये सारे आएंगे फिजन क्या होते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गैनजम सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल तो सपोज करो कि ये देखो ये अमीबा है ठीक है इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है फिर ये जो है ये बीच में से ऐसे ब्रेक करेगा ये जो है ये ऐसे बीच में से ब्रेक ओक करेगा और फिर ये दो इंडिविजुअल में टूट जाएगा देखो इसमें लिखा हुआ है लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल मनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ़ फिजन हैज़ बीन ऑब्जर्व मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस आर सिंपली स्प्लिट इंटू टू इक्वल्स हाफ ड्यूरिंग सेल डिविजन इन ऑर्गेनिजम सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन तो देखो तीन टाइप के प्लेन होते हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ ये होता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ठीक है जो कि सीन होता है लिशमेनिया में ठीक है और दूसरा होता है ठीक है एक सेकेंड इसमें ना लेष्मान्या को आप वो दे नहीं रखा पर यह है कि लेश्मान्या का भी आता है ठीक है इसमें लिखा होगा ये देखा लिखा हुआ है ना कि जो लेष्मानिया है उसमें होता है ठीक है इन अमीबा अमीबा में क्या होता है अमीबा में इरेगुलर होता है कहीं वो किधर से भी टूट सकता है और लेश्मानिया में जो है वो लॉन्कीट्यूडनल होता है ठीक है और ट्रांसफर्स भी होता है किसी में ठीक है तो वो आप देख सकते हैं इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा लिखी नहीं हुई है ठीक है बट आप नेट से सर्च कर सकते हैं हाउएवर सम यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स शो समट मोर ऑर्गेनजम्स ऑफ देयर बॉडी सच एज इन सीन एन लेश्मिया विच कॉज काल जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फीवर तो वो लेश्मानिया ही कॉज करते हैं जिसके विल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एट वन एंड इन सच ऑर्गेनजम्स बाइनरी फ्यूजन अकर्ज इन डेफिनेट ओरिएंटेशन रिलेशनशिप ठीक है ये लश्मानिया होता है ये इसके ना ऐसे निकले होते हैं तो ये जो है ये ऐसे टूटता है कि ये इधर जाता है पार्ट इधर पार्ट जाता है फिर ये जो है ये रिप्रोडक्शन शो करता है अदर सिंगल सेल जो सच एज मलेरियल पैरासाइट जिसको हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन और जो यीस्ट है ठीक है ये यीस्ट है इसके यहाँ पे जो है ना वो बर्ड डेवलप होती है ठीक है वो सेपरेट करती है फिर वो ग्रो फर्दर करता है अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की ठीक है फ्रेगमेंटेशन की फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं होता बहुत एग्जाम बहुत इजी है मल्टी सेल ऑर्गैनजम्स में जो रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गैनजम्स है वो ये सब को केपेबल होते हैं करने के लिए जैसे कि सपोज करो स्पायरोग ठीक है ये स्पायरोग होता है तो इसका जो ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो वो होता है ना साइटोप्लाज्म तो वो है वो स्पायरल शेप का होता है ठीक है इसका जो है वो साइटो का वो स्पायरल शेप का होता है ठीक है वो पीसेज में ब्रेक होता है जब वो मेचोर होता है फिर जो वो पीसेज है या फ्रैगमेंट्स है वो ग्रो करते हैं न्यू इंडिविजुअल में दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलोर गैनजम्स दे कैन नॉट सिम्पली डिवाइड सेल बाय सेल द रीज़न इज इज़ दैट मैनी मल्टी सेल्यूर गैनजम सच एज़ वी हैव सीन नॉट सिम्पली रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स तो मतलब ये है कि मतलब जो मल्टी सेल ऑर्गेजम्स हैं वो ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते फ्रिजन या वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू उनके लिए एक स्पेशल बॉडी डिजाइन स्ट्रक्चर होता है स्पेशल सेल्स आर ऑर्गेनाइज एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन टू ऑर्गन्स विच देन हैव टू बी प्लेस एट डेफिनेट पोजिशन इन बॉडी इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर सेल बाई सेल डिविजन वुड बी इम प्रैक्टिकल मल्टी सेल ऑर्गेनजम्स देव नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन तभी जैसे कि मेल में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में ओवरी होती है मतलब अलग अलग होते हैं ना स्पेशलाइज होते हैं कि वो सिर्फ सेक्स सेल्स होंगे वो ये सब रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करेंगे ठीक है एक्सेट्रा अ बेसिक स्ट्रैटजी सॉरी अ बेसिक स्ट्रैटजी यूज इन मल्टी सेलर ऑर्गैनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गैनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप हाउ इज़ रिप्रोडक्शन टू बी अचीव

इसके ये कटिया तो ये जो है ये रीजनरेट करके अपना जो है फर्दर वो ग्रो कर सकते हैं फुल प्लेन एरिया में ठीक है मैनी फुली डिफरेंटेड ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू गिव राइट फ्रॉम देर बॉडी पार्ट तो मतलब वो अपनी खुद की जो छोल्टर टूटा हुआ पार्ट है उससे पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं जो इंडिविजुअल है अगर वो कट हो गया ब्रोक हो गया पीसेस में तो जो पीसेस है ये ग्रो करेंगे ठीक है फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया वो हो सकते है नंबर ऑफ़ पीसेस में और जो ईच पीस है वो ग्रो करता है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में जो हाइड्रा है ना हाइड्रा एक ऐसा वो ऑर्गेनजम्स है जो रीजनरेशन भी शो करता है रीजनरेशन भी शो करता है एज वेल एज वो बडिंग भी शो करता है ठीक है आगे हम डायग्राम देखेंगे उसका प्लेन एरिया जो है उसको पीसेज मोगे उन्होंने आपको बताई दी इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन रीजनरेशन जनरेशन कैरिड होता है बाय स्पेशलाइज सेल्स ये जो सेल्स है ये पॉलिफ्रेट करते हैं और मेक्स करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरग्रो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज़ फिर ये जो ये जो चेंजेस है ना ये टेक्स प्लेस करते हैं ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीग कट अप टू रिप्रोड्यूस तो मतलब ये जो है ये एबिलिटी होती है जैसे कि प्लेनेरिया होता है मैंने आपको बताया था ये प्लेनेरिया होता है ये कहीं से भी कट हो जाए तो ये इंडिविजुअल हो सकता है क्रिएट ठीक है सपोज करो कि जो प्लेनेरिया वो इतना कट हो गया तो ये जो है ये पूरा क्रिएट कर देगा और नीचे की पूछ अपना क्रिएट कर देगी या ऊपर का वो कट हो गया या नीचे का मतलब कहीं भी हो कर सकती है क्रिएट प्लेनेरिया अब हम बात करते हैं बडिंग जैसे कि हाइड्रा हो गया जो मैंने आपको बताया था हाइड्रा का डायग्राम ये रहा ये सबको लगता है कि प्लांट है पर नहीं ये एक ऑर्गेनिजम्स है ठीक है यूज़ करते हैं रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन प्रोसेस ऑफ बर्डिंग हाइड्रा बर्ड डेवलप्स ऑन द तो जो हाइड्रा में ना यहाँ पे बर्ड डेवलप होती है यहाँ पे ठीक है फिर वो जब मेचोर हो जाती है तो अपने पेरेंट्स हट के खुद अपना ग्रो कर लेती है ठीक है अब हम बात करते हैं दीज बर्ड्स डेवलप इंड टू टाइनी इंडिविजुअल एंड वेन फुली मेच्योर डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वो मैंने आपको भी बता दिया अब वेजिटेटिव प्रॉपिगेशन क्या होता है जब हम रूट स्टेम और लीव से एक नया प्लान को ग्रो कर देते हैं ठीक है अनलाइक एंड मोस्ट एनिमल्स एंड प्लान्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड फॉर रिप्रोडक्शन दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज़ यूज इन मेथड्स तो इसमें ना मतलब आर्टिफिशियल मैथड हमने क्रिएट कर दिए जैसे कि लेयरिंग हो गया ग्राफ्टिंग हो गया ठीक है तक फिर हम ग्रो करते हैं उसमें शुगर केन रोज ग्रेप्स या कोई भी सीडलेस सीडलेस प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स रेज बाई वेजिटेटिव प्रोपीगेशन कैन बी अ फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम प्लांट को ग्रो करते हैं वो अगर हम सीड डालेंगे तो उससे पहले वो ग्रो कर जाएगा सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल दैट द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना ऑरेंज रोज जैसमिनव लॉस दपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to parent plant to have all its characteristic ठीक okay? है और ये जो होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं ब्रायोफायलम इसमें यहाँ पे यह होता है लीफ के ऊपर जो है वो बर्ड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं कि सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोश तो ये जो एंड होते हैं इनको नोशिज़ बोलते हैं अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉयल एंड डेवलप इन टू न्यू प्लांट जब ये बड़े हो जाते हैं तो अभी ये लीव से टूट के फिर नीचे सॉयल में जाते हैं और फिर एक नया अपना प्लांट ग्रो कर लेते हैं टिश्यू कल्चर कुछ नहीं होता मतलब जब हम लैब्स में लेबोरेटरी में कि उसमें क्या कहते हैं मैं भूल गई नाम तो ये जो है ना इसमें इसमें डाल देते हैं ठीक है कंटेनर के अंदर और इसके अंदर क्या होता है ठीक है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर, है? इसके अंदर प्लांट को ग्रो करते हैं फिर उसमें टिश्यू विशू हारमोन जो भी इनको एडिशनल चाहिए होता है उसको हम फिर ग्रो कर देता हो फिर वो रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन ये डायग्राम जो है ना पिछली बार टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वाले बोर्ड्स में आया है ये डायग्राम पूरा बनाने के लिए तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेट वन में आया था डायग्राम तो आप देख सकते हैं ये है स्पोर फॉर्मेशन ठीक है डायग्राम आप देख सकते हैं ये होगा राइजॉर्ड ठीक है ये हो गया हाई फे, -फे ठीक है ये हो गया आप इसको रूट्स भी लिख सकते हो एंड ये तो स्पोर्स हो ही गया और ये क्या होता है ये होता है स्पोरजियम ठीक है ये होता है स्पोरजियम इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेल ऑर्गैनजियम स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स ऑन द ब्रेड ठीक है जो ब्रेड में हमने आपने देखा हुआ कि जैसे कि ब्रेड होता है ब्रेड के ऊपर मोल्ड आ जाते हैं ना मतलब कि अगर हमको बाहर हमने उसको बाहर रख दिया तो मोल्ड आ जाता है मतलब ग्रीनिश का सब आ जाता है अबव द हाइफ ऑफ द ब्रेड मोल्ड उसको हम क्या बोलते हैं राइजोपस दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइफे जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब स्ट्रक्चर ये है ना ये 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 ब्लॉब स्ट्रक्चर -like इसके अंदर जो वो होते हैं ना स्पोर्स ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शो करते हैं द ब्लॉब्स आर स्पोरजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इन टू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल द स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम एंटिल दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद अनादर मॉय सर्विस एंड कैन बिगिन टू ग्रो ऑल द मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फार अलॉन्ग द न्यू जनरेशन जो है ये सारे जो मतलब हमने कर रहे हैं ये सारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं तो ये सारे मोड्स जो हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सॉरी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं तो ये जो सेक्शुअल रिपोर्डक्शन का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आई होप आप आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा बाय